हाय सर। हाय। आज मैं आपसे पहले आ गई। वो आपने कहा था ना कि आप कैफेटेरिया नहीं आएंगे लेक्चर देने के लिए, सो आई थॉट मे बी आई शुडंट टेक अ रिस्क। मेरे ग्रुप में कोई भी नहीं आया है, आई एम द फर्स्ट वन। ऐसा कभी भी नहीं हुआ पहले। आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप अगर यूनिवर्सिटी पहली दफा वक्त पर आई हैं तो इसमें अप्रिसिएशन नहीं, शर्म वाली बात। यूनिवर्सिटी है, पढ़ने आते हैं आप, क्या वक्त पर आए, फायदा होगा आपको। क्या हुआ, फिर से डांट पड़ी क्या तुम्हें आज? नहीं यार, इस बंदे में कुछ खास बात है यार। खास बात। माया को उसकी बातों पे गुस्सा नहीं आता। मतलब कि मुझे लगता है वो मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं। मेरा दिल चाहता है कि मुझसे पूरा दिन बात करते रहें। ये शौक तो उनका लेक्चर सुन के पूरा हो सकता है। चलो तुम्हारा शौक पूरा करें। मोमिन के लेक्चर्स कितने अच्छे होते हैं, हर बात जहन नशीन हो जाती है, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ यार, सारी बातें सीधा दिल में उतर जाती। मैं लेक्चर्स की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं सर मोमिन की बात कर रही हूँ। चलो मेरे साथ। कहाँ? अच्छा दोस्त वो नहीं होता जिससे कहो चलो तो पूछे कहाँ, अच्छा दोस्त तो वो होता है जिससे कहो चलो तो बस वो चल पड़े। चलो चलो। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी, सॉरी। हाय। वो एक्चुअली पूरी क्लास को आपसे बात करनी थी, बट बिकॉज आई एम द सीआर आई थॉट मैं खुद आके आपसे बात करूं। फरमाइए। वो जब भी हमारी क्लास में कोई नया टीचर आता है तो हम उनके लिए पार्टी थ्रो करते हैं, एंड बिकॉज इट्स योर फर्स्ट जॉब तो आपके लिए तो पार्टी बनती है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं सर, मना करने की गुंजाइश नहीं है। इसमें हमारी पूरी क्लास की बहुत खुशी है, प्लीज। मुनासिब नहीं लग रहा मुझे सर। अच्छा ट्रेडिशन है, डोंट यू थिंक कंटिन्यू करना चाहिए? सर आ जाए ना प्लीज। सर कैफेटेरिया में ही पार्टी होगी और आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। इनफैक्ट हम और टीचर्स को भी इनवाइट करेंगे, प्लीज सर। ओके, सी यू टुमारो।